डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है? सीरियस इंजरीज तो नहीं है, लड़की मेंटल शॉक में है। कोई क्रिटिकल बात नहीं है? नहीं, मगर तुम उसके लिए इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम उसको जानते हो? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। दरअसल कल रात को मेरी गाड़ी के सामने आके टकरा गई थी। मैं तब से गिल्ट का शिकार हूँ। इससे एक्सीडेंट हो गया। ओह आई सी, मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम तो इतनी फास्ट ड्राइव नहीं करते हो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ। सच बताओ, ये मामला क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है इस केस में। दरअसल ये खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे। शुक्र है मेरी स्पीड बहुत कम थी, पता नहीं क्या हो जाता वरना। तो तुम पुलिस से कैसे निपटोगे? वो तो तुम्हारी नाक में दम कर देगी। सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। उनसे मैं बात कर लूंगा, मेरे कॉन्टेक्ट हैं। बस आपने इनका बहुत ख्याल रखना। पता नहीं किसी क्या साइकोलॉजिकल हालत थी इनकी, जो इतना एक्सट्रीम कदम उठाया उन्होंने। हालांकि इसका मेडिकल बिल भी तुम पे करोगे। सारी सी बात है, जिस करके आप लोगों ने वहां वापस ही पहुंचाना है। जब तक इनका कोई वाली वाली स्मेल नहीं जाता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इन्हें मेरी बहन ही समझो। एक बात और राहत, लड़की प्रेग्नेंट भी है। ये कोई मौजदा ही होगा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद माँ और बच्चा दोनों महफूज है। तेरा शुक्र। होश में है, मैं मिल सकता हूँ उनसे? हाँ श्योर, तुम मिल सकते हो। लड़की होश में तो है मगर खामोश है, शायद तुमसे बात कर ले। शुक्रिया।